नमस्कार दोस्तों, जीके क्वेश्चन कोर्नर में स्वागत है। आज का टॉपिक 7 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगी यहाँ क्लास। वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किससे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर, श्री मनीष कपूर को RBI ने नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? इसका करेक्ट आंसर, उत्तर ब्रिटेन देश। शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 परियोजना पर काम कर रहे हैं जो ब्रिटेन देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिसनेस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर, गुलाम बने हैं। हाल ही में भारत की 7वीं सबसे अमीर शख्सियत कौन सी महिला बनी है? इसका करेक्ट आंसर, सवीरा जिंदल भारत की 7वीं सबसे अमीर महिला बनी है, जिसका नाम सवीरा जिंदल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर, तेलंगाना राज्य में नरेंद्र मोदी ने विश्वविद्यालय केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? इसका करेक्ट आंसर, बेंगलोर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे एप्सा के सर्वश्रेष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर, रीमा दास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस प्लांट पर प्रतिबंध लगाया है? इसका करेक्ट आंसर, गुजरात राज्य ने कोनोकार्पस प्लांट पर रोक लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला पशु शवदाह कहाँ खुलेगा? इसका करेक्ट आंसर, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में यहाँ खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च हुआ है स्वालंबन 2.0 है, इसका करेक्ट आंसर राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी सरकार महिलाओं को सरकारी स्वामित्व में 35% नग्न महिला हैं? इसका करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर, 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय इंडियन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर, तिरुपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ICC ने किसे वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर, ICC ने सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप का 2023 का एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर, नॉर्वे के लेखक जॉन फॉन्से को उनके नाटकों एवं गद्य के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? इसका करेक्ट आंसर, स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश ने यहाँ 35% आरक्षण में नौकरियों के लिए आरक्षण की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मुस्कान दिवस वर्ल्ड सिंपल डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर, अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को विश्व मुस्कान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के नए महाधिवक्ता
नियुक्त हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर पुरविंदर सिंह गैरी ने पंजाब के नए महाधिवक्ता नियुक्त हुए हैं। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद है।